हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 15 फन विथ क्लेस क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव्स इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू 1 नंबर, व्हाट डिड कोथिम्बू टेल द क्रो टू डू बिफोर ईटिंग। ओके, सो जो कोथिम्बू है, कोथिम्बू ने क्रो को खाने से पहले क्या करने को कहा। नंबर 1, वॉश हिज डर्टी हैंड्स। ऑप्शन बी, वॉश हिज डर्टी फीट। ऑप्शन सी, वॉश हिज डर्टी बीक। ऑप्शन डी, हैव अ बाथ। तो स्टूडेंट, इसमें से जो कोथिम्बू ने क्या करने को कहा था, उसे करेक्ट, विच वन इज अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी, वॉश हिज डर्टी बीक। उसने उसके जो बीक है, जो चोच, बीक मतलब चोच, चोच को धोने के लिए कहा था। ओके, नाउ 2 नंबर, वेयर डिड द क्रो गो फॉर वाटर। जो क्रो है, कौवा है, वो पानी के लिए कहाँ गया था। सो 4 ऑप्शन गिवन देयर। ओके, टू द वेल, टू द लेक, टू द हाउ, टू हिज हाउस, टू द वाटर ट्रॉफ। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, टू द वेल, वेल इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 3 नंबर, व्हाट डिड द पॉटर टेल द क्रो टू ब्रिंग टू मेक द पॉट। ओके, पॉटर मीन्स कुम्हार, कुम्हार ने पॉट बनाने के लिए क्रो को क्या लाने को कहा। ओके, क्या लाने को कहा उसने, तो 4 ऑप्शन, तो ए स्प्रेड, बी क्ले, सी वाटर, और डीप वाटर्स, सॉरी पॉटर्स व्हील। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्ले, क्ले मीन्स मिट्टी। ओके, सो नंबर 4, व्हाट डिड द क्रो गो टू टेक फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ। जो कौवा है, क्रो, वो ब्लैक स्मिथ से क्या लेने को गया था। सो करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन डी, सिकल। सिकल क्या होती है, एक दराती होती है। ओके, जिसे कि क्या करते हैं, घास को काटते हैं। और ब्लैक स्मिथ मतलब, ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है, लोहार, जो लोहे की चीज़ों को बनाता है। ओके, नाउ 5 नंबर, व्हाट डिड द टिम्बा हीप ऑफ सॉयल। टिम्बा मीन्स एक हीप ऑफ सॉयल है वो, गिव टू द क्रो। टिम्बा क्रो को क्या देता है, वाटर, क्ले, स्पेड या ग्रास। ओके, तो टिम्बा क्या है, मिट्टी है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, क्ले। ओके, तो टिम्बा क्रो को क्या देता है, क्ले देता है। ओके, नंबर 6, व्हाट इज फिल इन द क्ले पॉट इन योर हाउस। जो तुम्हारे घर में मिट्टी के घड़े में क्या भरते हैं, तो ग्रेन, वाटर, फूड या क्लोथ, क्या भरते हैं उसमें, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके घर में मिट्टी का कोई भी पॉट है, घड़ा है, तो उसमें आप लोग क्या भरते हो, करेक्ट आंसर इज वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। द हीप ऑफ सॉयल टिम्बा आस्क्ड फॉर अ हॉर्न टू बी ब्रॉट टू डिग सॉयल। ओके, सो जो टिम्बा है, हीप ऑफ सॉयल ने, टिम्बा ने मिट्टी खोदने के लिए एक सींग लाने को कहा। क्या लाने को कहा, सींग लाने को कहा। नंबर 2, द क्रो सॉ अ डैश ऑन द फेंस। फेंस मतलब जो बाउंड्री होती है, आप गार्डन में गए हो, पार्क में, तो वहाँ पर बाउंड्री होती है ना फेंस से, तो वहाँ पर उसने क्या देखा, कोथिम्बू देखा। कोथिम्बू क्या है, एक फ्रूट है। ओके, नाउ 3 नंबर, द कोथिम्बू आस्क्ड द क्रो टू वॉश इट्स। क्या धोने को कहा उसने, कोथिम्बू ने क्रो को अपने चोंच धोने को कहा, बीक मतलब चोच। नाउ 4 नंबर, द क्रो वेंट टू द ब्लैक स्मिथ। ओके, टू गेट अ सिकल। सिकल क्या होता है, दराती होती है। ओके, जिससे कि हम घास काटते हैं। और वो क्रो कहाँ गया, ब्लैक स्मिथ के पास, लोहार के पास गया वो लेने के लिए। नाउ 5 नंबर, द क्रो रैप्ड ग्रास विद द सिकल एंड फेड द क्रो। जो क्रो है, सॉरी काव, फेड द काव। जो क्रो है, वो घास, उसने सिकल से घास को काटा और किसको खिलाया, काव को खिलाया। नाउ 6 नंबर, द वेल आस्क्ड द क्रो फॉर अ पॉट टू फिल वाटर। ओके,
यहाँ पर क्या पूछा है, कुएं ने पॉट में पानी भरने को किससे कहा, कौवे से कहा। तो कौवे ने क्या जो वेल है उसने क्या लाने को कहा था, उसे पॉट लाने को बोला था ताकि वो उसमें पानी भर सके। ओके नाउ 7 नंबर, द क्रो वेंट टू द काव टू गेट मिल्क, कौवा दूध लेने के लिए गाय के पास गया। ओके किसके पास गया था दूध लेने, क्रो किसके पास गया था, काव के पास गया था दूध लेने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट अ टिक मार्क। ओके मार्क इन फ्रंट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड आर रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स। तो नंबर 1, द क्रो सॉ द कॉथिंबू ऑन द फेंस। ओके सो दिस आंसर इज करेक्ट। ओके कौवे ने जो कोथिंबू है वो फेंस के ऊपर देखा था। सो नाउ नंबर 2, द क्रो एट द कोथिंबू विथ हिज डर्टी बीक, कौवे ने कोथिंबू को गंदी चोच, उसकी जो बीक है, बीक मतलब चोच, उसे गंदी बीक से खा लिया था। नहीं ये रॉन्ग है क्योंकि कोथिंबू ने क्या बोला था कि पहले अपनी बीक धोकर लाओ। ओके धोकर आओ फिर तुम मुझे खाना। नाउ 3 नंबर, द वेल टोल्ड द क्रो टू ब्रिंग अ बकेट फॉर वाटर, जो वेल है कुआ है उसने कौवे को पानी भरने के लिए बकेट लाने को कहा। इज अ करेक्ट, बकेट यूज़ किया था या पॉट यूज़ किया था, वहाँ पर पॉट यूज़ किया था लेकिन यहाँ पर बकेट है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, रॉन्ग आएगा ये स्टेटमेंट। ओके नाउ नेक्स्ट 4 नंबर, द क्रो टोक सॉयल फ्रॉम द टिम्बा एंड वेंट टू द पॉटर, क्रो ने टिम्बा से क्या लिया, सॉयल लिया मतलब मिट्टी ली और फिर किसके पास गया, वो पॉटर के पास गया। ओके दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ 5 नंबर, अ पॉटर मेक्स पॉट्स एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम क्ले, जो पॉटर होता है, पॉटर क्या होता है, कुम्हार, कुम्हार पॉट भी बनाता है, घड़े बनाता है और बहुत सारी चीज़ें मिट्टियों से बनाता है। सो दिस स्टेटमेंट स्टूडेंट करेक्ट। नाउ 6 नंबर, द ब्लैक स्मिथ गेव अ सिकल टू द क्रो इन एक्सचेंज फॉर मनी, जो लोहार है, लोहार ने पैसे के बदले क्रो मीन्स कौवा, कौवे को सिकल दिया। इज अ करेक्ट, उसने पैसे मांगे थे ब्लैक स्मिथ ने और उसके बदले फिर क्रो ने उसे सिकल लिया था। नहीं ओके सो दैट आंसर फॉल्स। नाउ नेक्स्ट मैचिंग वेल। ओके आपने कुआं देखा है तो कुएं के अंदर क्या होता है, वाटर। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। सो नाउ 2 नंबर, ब्लैक स्मिथ, सो ब्लैक स्मिथ क्या करता है, लोहे की चीज़ें बनाता है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सिकल। ओके नाउ 3 नंबर, पॉटर, पॉटर क्या बनाता है, पॉट। टिम्बा, टिम्बा क्या है, क्ले ऑफ सॉयल। ओके सो यहाँ पर ऑप्शन बी टिम्बा, बी ऑप्शन बी क्ले सॉयल। नाउ नेक्स्ट मैचिंग क्वेश्चन नंबर 2, मैचिंग ब्लैक स्मिथ ऑप्शन डी एनविल। ओके और नेक्स्ट एनविल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक इम्प्लीमेंट है। ओके सो नाउ 2 नंबर, कारपेंटर, कारपेंटर कारपेंटर्स प्लेन। नाउ 3 नंबर, पॉटर, पॉटर यूज पॉटर्स व्हील। तो मेशन ट्रॉवल, मेशन क्या यूज़ करता है, ट्रॉवल यूज़ करता है, और पॉटर पॉटर व्हील यूज़ करता है, कारपेंटर कारपेंटर प्ले, ब्लैक स्मिथ एंड व्हील यूज़ करता है जिसमें लोहे की चीज़ें बनाता है वो। ओके स्टूडेंट सो कंप्लीट आवर ऑब्जेक्टिव, सो थैंक यू।